अपनी साक्षी हिंदी पाठमाला से पाठ संख्या 8 रेलगाड़ी का अभ्यास करने जा रहे हैं। प्रश्न 1 है, पढ़ो और बोलो। मेला, जलेबी, खेल, करेला, हथेली। प्रश्न संख्या 2, नए शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ हमें कुछ वर्ण दे रखे हैं और हमें इन वर्णों के साथ ए मात्रा को लगाकर कुछ शब्द बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। रेत पहले से ही आपको बनाकर दिखा रखा है। चलिए दूसरा शब्द बनाते हैं, तेल। तेल। तीसरा शब्द बनाते हैं, बेर। पेट। प्रश्न संख्या 3, सही शब्द पहचान कर उनके सामने ठीक का चिन्ह लगाओ। ये क्या है बच्चों? केला। केला हम किस प्रकार लिखते हैं? ऐसे। तो आप केला इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। ये क्या है? करेला। करेला हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, करेला। तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, जो अलग है उस पर काटा लगाओ। का भाग को करते हैं, रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, पक्षी। यहाँ पर यह तीनों यातायात के साधन है और यह पक्षी है, तो इन सब में सबसे अलग पक्षी है, इसलिए हम पक्षी पर काटा लगाएंगे। भाग ख देखते हैं, कौवा, हाथी, तोता, मोर। यहाँ पर आपने देखा ये तीनों पक्षी हैं, जबकि हाथी पशु है। यहाँ पर हम हाथी के सामने वाले डब्बे में काटा लगाएंगे। चलते हैं ग भाग में, फुटबॉल, बल्ला, बेलन, हॉकी। आपने देखा ये तीनों खेलने की सामग्री हैं और बेलन, बेलन से आपकी माताजी चपाती बनाती हैं, इसलिए हम बेलन पर काटा लगाएंगे। चलिए अगला पृष्ठ करते हैं, पृष्ठ संख्या 36। सोच कर लिखो। नेहा के दादी दादा किससे आए? नेहा के दादी दादा किससे आए थे बच्चों? रेल गाड़ी से आए थे। रेलगाड़ी से आए थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेल गाड़ी। अब देखते हैं नेहा ने किसके साथ रेलगाड़ी देखी। नेहा ने अपने पापा के साथ रेलगाड़ी देखी। तो नेहा ने किसके साथ देखी रेलगाड़ी? पापा। नेहा किससे मिलकर बहुत खुश हुई? नेहा अपने दादी दादा से मिलकर बहुत खुश हुई। तो हम यहां लिखेंगे दादी दादा। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 पर है, चित्र को उसके नाम से मिलाओ। सेब, सेब का चित्र ये
नीचे इधर है। आप सेब शब्द को सेब के चित्र से मिलाओगे। पेड़, पेड़ को इधर पेड़ के चित्र से मिलान करोगे। जलेबी, जलेबी को जलेबी के चित्र से मिलाओगे। रेलगाड़ी। करेला, करेला को इधर मिलाओगे। मेला, ये देखिए बच्चों, ये मेला है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। नीचे दिए गए चित्रों में 5 अंतर पहचानो और गोला लगाओ। बच्चों, यहाँ हमारे पास 2 चित्र दिए गए हैं। इन 2 चित्रों में हमें अंतर ढूंढना है और उस अंतर पर गोला लगाना है। चलिए पहले देखते हैं झोपड़ी और घर। घर के पीछे यहाँ एक चिमनी है, जबकि दूसरे चित्र में यहाँ पर कोई भी चिमनी नहीं है। तो हम यहाँ पर गोला लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों चित्रों में ये एक अंतर है। अब देखते हैं इधर। पेड़ के ऊपर एक बेल है, इस बेल में ज्यादा पत्ते हैं और इस बेल में इधर कम पत्ते हैं। तो हम इस बेल पर इधर गोला लगाएंगे। अब देखते हैं तीसरा अंतर। बच्चों, इधर देखिए, इधर घास में, यहाँ पर घास नहीं बनी हुई है और जबकि यहाँ पर घास बनी हुई है। तो इन दोनों घास में यहाँ अंतर है। इस घास पर भी हम यहाँ गोला लगाकर अंतर को स्पष्ट करेंगे। आगे देखते हैं और क्या अंतर है। क्या आप कोई अंतर ढूंढ पा रहे हैं? मुझे एक मिल गया है। बच्चों देखो, ये 2 भेड़ यहाँ खड़ी हैं, लेकिन इस भेड़ के यहाँ पर 2 पैर नहीं दे रखे हैं। तो हम इस वाले पैर पर भी गोला लगाएंगे। ये भी एक अंतर है, ठीक है। इस प्रकार हम 4 अंतर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इधर फूल। यहाँ एक अलग से फूल है गुलाबी रंग का, जबकि यहाँ कोई भी फूल नहीं है। तो हम इस फूल पर भी गोला लगाएंगे। इस प्रकार हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 अंतर स्पष्ट हो गए हैं। आपको अब ये कार्य अपनी हिंदी की पुस्तक में बहुत सुंदर लेख में करना है। धन्यवाद।